तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं है, सिर्फ मुंह में आपको रखना है। ये उपाय है अगर आप प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25 अक्टूबर 2022 साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस दिन आपको क्या करना है, ग्रहण से पहले आपको क्या तैयारी कर लेनी है और ग्रहण के दिन आपको कौन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि ग्रहण का सही समय क्या है, सूतक काल के बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, भारत में ग्रहण दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा और अनेक सावधानियां जो गर्भवती को रखनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं को अगर हम समझें तो सूर्य ग्रहण के समय राहु और केतु की वजह से नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन पे पड़ते हैं। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, इनके ऊपर दुष्प्रभाव ज्यादा होता है, तो आपको इस समय पे ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। तो 25 अक्टूबर के दिन जो ये ग्रहण लगने वाला है, ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है और अंतिम भी है। इससे पहले जो सूर्य ग्रहण लगा था वो भारत में दिखाई नहीं दिया था, लेकिन ये ग्रहण आपको भारत में दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, यानी कि ये एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। पूर्वी भारत को अगर छोड़ दें तो भारत के सभी हिस्सों में ये आपको खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। कोलकाता, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, इन सभी जगहों पे आप इस खगोलीय घटना को देख सकते हैं। भारत के अलावा ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तेहरान, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी हिंद महासागर, पश्चिमी एशियाई देशों में ये ग्रहण कुछ और लंबे देर के लिए देखा जा सकेगा। अगर भारत में इसकी अवधि की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 घंटे का ग्रहण भारत में रहने वाला है। 25 अक्टूबर के दिन 2:29 पे, यानी कि दिन का समय होगा जब सूर्य ग्रहण का आरंभ होगा। सूर्य ग्रहण अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगा 4:30 पे और सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा 6:32 पे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 4:03 का ग्रहण रहने वाला है और ये वो समय होगा जब आप अपना दिन का भोज कर चुके होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको इस समय पे भूखा रहने की आवश्यकता है। चलिए समझते हैं कि गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान इस समय पे रखना है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको ग्रहण को बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है और गर्भ शिशु के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ग्रहण को देखते हैं तो बच्चे में लाल स्पॉट्स या फिर लाल निशान पड़ जाते हैं, जो कि बाद में देखने में बहुत भद्दे लगते हैं और जो ये बर्थ मार्क्स होते हैं ये फिर जाते भी नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि इस समय पे आपको घर के अंदर ही रहना है, एक ऐसे कमरे में बैठे जहां पे सूर्य की किरणें ना आ रही हो। अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है बाहर जाना। अगर आपको फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना पड़े तो अपने पेट पे आप तुलसी का लेप, चंदन का लेप या फिर कुशा की घास का लेप अवश्य लगाएं और बाहर जाते हुए अपने साथ कुछ तुलसी के पत्ते भी लेके जाएं। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप 1-2 तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रख लेते हैं। तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं है, सिर्फ मुंह में आपको रखना है। ये उपाय है अगर आपको बाहर ग्रहण समय में जाना ही पड़े तो आप ये उपाय करके बाहर जा सकते हैं। ग्रहण काल में आपको रसोई घर में जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में अगर आप खाना पकाएंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ कुछ धारदार वस्तुओं पे लगे, जैसे कि चाकू हो गया, कैंची हो गया। तो इस समय पे धारदार वस्तु को छूना या फिर नोकीली किसी भी चीज को छूना अवॉइड करना चाहिए। इस समय पे आपको कैंची वाले काम या फिर सुई धागे वाले काम भी नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस तरीके की कोई भी धारदार या फिर नोकीली चीजों को हाथ लगाते हैं, छूते हैं या इनसे कोई काम करते हैं तो इससे बच्चे को गर्भ के अंदर नुकसान पहुंचता है। तो अगर आप इन सब चीजों को मानते हैं तो बेटर है कि आप सारे प्रिकॉशंस लें, जो भी बातें कही जाती हैं उन सबको आप माने। बाकी ग्रहण काल में आपको खाने और पीने के ऊपर भी मनाई होती है, लेकिन जैसा मैं बता चुका हूँ कि ये ग्रहण दिन में लगेगा, 2:30 के करीब लगेगा, इससे पहले ही आप अपना लंच कर लें तो इस समय पे आपको इस ड्यूरेशन में खाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको 4 घंटे की भूख बर्दाश्त नहीं होगी या प्यास बर्दाश्त नहीं होगी तो इसके लिए पहले ही आप तैयारी कर लें। आप तुलसी के पत्ते पहले तोड़ लें और इनको खाने और पीने की चीजों में डाल दें, ताकि अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि बहुत क्रेविंग आपको हो रही है, आपसे रहा नहीं जा रहा है, तो आप कुछ खा सकें और पी सकें, लेकिन उनमें पहले से तुलसी का पत्ता डला होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इस समय पे एक कमरे में बैठना है, आप कमरे में बैठे चाहे लेटे, लेकिन आपको एक काम अवश्य करना है। आप कमरे में बैठ के मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, इन सब का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम और काफी अच्छे फल देने वाला होता है। इस समय पे आप सूर्य भगवान की उपासना भी करें, ये भी आपके लिए प्रेगनेंसी में फलदायक होता है। एक बात का खास ख्याल रखें कि ये कार्य आपको
मंदिर के समक्ष बैठ के नहीं करने हैं। मंदिरों के लिए और भगवान की प्रतिमाओं के लिए खास तौर पे ग्रहण के संदर्भ में ये रूल है कि आपको मंदिरों को छूना नहीं है। अगर आपका घर का मंदिर है तो उसको आप बंद कर दें, अगर उसमें कोई बंद करने के लिए दरवाजा नहीं है तो आप उस मंदिर को कपड़े से ढक दें। प्रतिमाओं को हाथ आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है और ये काम आपको ग्रहण शुरू होने से पहले ही कर देना है, क्योंकि ग्रहण काल में आपको मंदिर छूना वर्जित है। ग्रहण काल में वैसे दोस्तों बोला जाता है कि आपको टॉयलेट भी नहीं जाना चाहिए, तो हो सके तो अवॉइड करें, लेकिन अगर आपको बहुत प्रेशर हो रहा है तो आप बिल्कुल भी अपने इस प्रेशर को ना रोकें। ग्रहण समाप्ति पे आपको स्नान करना बहुत आवश्यक है। जो भी आपने वस्त्र पहले धारण किए हुए थे इनको आपको बदल लेने हैं, नए धुले वस्त्र आपको पहनने चाहिए। उसके बाद में सर्वप्रथम आपको गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करना है, मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव करना है, अपने ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करिए जिससे पूरे घर का शुद्धिकरण हो सके। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि जो पहले का खाना है एटलीस्ट आप ना खाएं, घर के और मेंबर खा सकते हैं, लेकिन गर्भवती को ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ग्रहण काल के बाद आपको एकदम फ्रेशली कुक्ड खाना ही खाना है, बासी खाना को आप अवॉइड करें। तो दोस्तों ये कुछ उपाय हैं, ये कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको 25 अक्टूबर 2022 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दिन अवश्य समझ लेनी चाहिए और इनका अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी एकदम स्वस्थ रहे और गर्भ में भी शिशु का अच्छी तरीके से विकास हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहां पे आप हमसे 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।